एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल एक वयस्क पुरुष 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कणों को निगल जाता है। जिस प्रदूषित वातावरण में हम सांस लेते हैं, अगर उसे भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर 1,21,000 कणों तक पहुंच जाएगा, जो हर दिन 320 प्लास्टिक के कणों के बराबर है। पत्रिका में प्रकाशित इस स्टडी के नतीजे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बोतल बंद पानी ही पिए तो उसके शरीर में हर साल अतिरिक्त 90,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण पहुंचने लगेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी इंसान के शरीर में प्लास्टिक के कितने कण जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कहाँ रहता है और क्या खाता है। उनका कहना है कि इंसान के शरीर पर माइक्रोप्लास्टिक का क्या असर होता है, यह अभी ठीक से समझा नहीं गया है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक 130 माइक्रोमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण में यह क्षमता है कि वह मानक उत्तकों को स्थानांतरित कर दे और फिर शरीर के उस हिस्से की प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करे। वैज्ञानिकों का कहना है कि कितना माइक्रोप्लास्टिक हमारे फेफड़ों और पेट में जाता है और उससे क्या खतरा हो सकता है, इसे ठीक से समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत होगी। बताया जा रहा है कि शरीर में जमा हो रहे प्लास्टिक के कणों से शरीर के उत्तकों का स्थानांतरण हो जाता है, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो सकती है। वही बताया जाता है कि फेफड़े को भी हानि पहुंच सकती है। हर जगह पाया जाता है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के महीन कण होते हैं जो मानव निर्मित उत्पादों जैसे सिंथेटिक कपड़ों, टायर और कॉन्टैक्ट लेंस आदि से टूटकर बनते हैं। माइक्रोप्लास्टिक पृथ्वी के हर जगह मिलने वाली सामग्री में से एक है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे कुछ ग्लेशियरों और सबसे गहरी समुद्र खाइयों की सतह पर भी पाए जाते हैं। प्लास्टिक की बोतल में बच्चों को दूध देने से इसके माइक्रोप्लास्टिक बच्चों के पेट में चले जाते हैं। बचपन से ही प्लास्टिक कण शरीर में जाने से काफी नुकसान होता है।